हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ए डॉट स्टडी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ए डॉट स्टडी में। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को। यदि आप माता पिता हैं या फिर आप किसी भी क्लास के छात्र हैं या स्टूडेंट हैं, सो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये जो वीडियो है आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या थी 1986 की शिक्षा नीति और जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 में वो क्या है, कौन कौन से बदलाव किए गए हैं नई शिक्षा नीति में, क्या इसकी खास बातें हैं और यह कब से लागू हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में संपूर्ण विश्लेषण करेंगे हम नई शिक्षा नीति 2020 का। सो आप इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस, आपको बता दें कि इसमें जो भी पॉइंट लिए गए हैं वो करंट अफेयर की दृष्टि से भी काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि चैनल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। सो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आज के इस वीडियो में हमने ओनली थ्योरी सेक्शन को कवर किया है। यदि आप इसका क्वेश्चन आंसर सेट चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी देश की शिक्षा नीति यह बताती है कि उस देश का एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा। एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार ही एजुकेशन सिस्टम को चलाया जाता है। भारत में जो नई शिक्षा नीति का लक्ष्य है वो भारत को विश्व स्तर पर ज्ञान से महाशक्तिशाली बनाने का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति 1986 की शिक्षा नीति का बदला हुआ रूप है। अभी जो वर्तमान में शिक्षा नीति चल रही है 2020 में, वो 1986 की शिक्षा नीति के अनुसार चल रही है। वर्ष 1968 एवं 1986 के बाद वर्ष 2000 की शिक्षा नीति स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। सबसे पहले भारतीय शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार में बनाई गई थी। दूसरी भारतीय शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी की सरकार में आई थी, जिसे कि 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ने संशोधित किया था। नई शिक्षा नीति के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तुरंगन की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था। इसी कमेटी ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था, जिसे कि कैबिनेट सरकार ने अभी मंजूरी दे दी है, जिसको ही नई शिक्षा नीति 2020 के नाम से जाने जाना लगा है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। सबसे पहले राजीव गांधी ने 1985 में शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास किया था, जिसको अभी मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा बदलकर फिर से शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो चलिए एक बार हम समझ लेते हैं 1986 की शिक्षा नीति को, क्योंकि ये हमारे दिमाग में यदि क्लियर नहीं होगा तो हम नई शिक्षा नीति 2020 को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। उसके बाद यदि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को समझेंगे तो हमारे जो डाउट हैं वो बहुत ही अच्छे से क्लियर होते चले जाएंगे। तो चलिए कुछ पॉइंट देख लेते हैं 1986 की शिक्षा नीति के अनुसार। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता था कि सबसे पहले बच्चे 1 से 5वीं तक के लिए एडमिशन लेते थे। इसके बाद 6वीं में एडमिशन लेकर 8वीं तक माध्यमिक शिक्षा पूर्ण करते थे। माध्यमिक शिक्षा पूर्ण होते ही 9वीं से 10वीं तक हाई स्कूल की शिक्षा पूर्ण करते थे और 11वीं में छात्र अपनी इच्छा अनुसार विषय चुनते थे, जैसे कि विज्ञान, कॉमर्स और आर्ट आदि, और हाई सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा को पूर्ण करते थे। जो छात्र जिस विषय को चुनता था वह सिर्फ उसी विषय को पढ़ सकता था। जैसे कि कोई छात्र विज्ञान विषय का चयन करता है तब वह फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स को पढ़ सकता है, लेकिन वह इतिहास, भूगोल और अकाउंट्स आदि को नहीं पढ़ सकता। हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने के बाद छात्र अपने विषय के साथ या बदलकर 3 से 4 वर्षों की स्नातक डिग्री को प्राप्त करते थे। यदि बीच में इस स्नातक डिग्री को छोड़ दिया जाता था तब उनके पास कोई भी प्रूफ उसका नहीं होता था। बीएड का कोर्स करने के लिए ग्रेजुएशन करना आवश्यक होता था और यह ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों के लिए 2 वर्ष का कोर्स होता था। यदि कोई भी व्यक्ति पीएचडी करना चाहता है तो उसे सबसे पहले एमफिल करना होता था, उसके बाद ही कोई भी व्यक्ति पीएचडी कर सकता था। सो गाइस, ये थी 1986 की शिक्षा नीति। चलिए अब समझ लेते हैं कि जो नई शिक्षा नीति है 2020 की शिक्षा नीति है वो क्या है। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए, जो नई शिक्षा नीति है इसमें जो भी सिस्टम लागू होगा, जो भी पैटर्न अब लागू होगा, वो नई शिक्षा नीति के तहत 5+3+3+4 सिस्टम को अपनाया जाएगा। ये जो सिस्टम है वो नई शिक्षा नीति में लागू
लागू किया जाएगा। तो चलिए इसको समझते हैं कि 5+3+3+4 क्या होता है। तो देखिए, स्कूली शिक्षा का यह क्रम है जिसमें फाउंडेशन स्टेज को 5 साल दिए गए हैं, प्रीपरेटरी स्टेज को 3 साल दिए गए हैं और मिडिल स्टेज को 3 साल दिए गए हैं। इसके बाद में सेकेंडरी स्टेज आता है जिसको कि 4 साल दिए गए हैं। तो ये जो हमारा सिस्टम है 5+3+3+4 वो स्कूली शिक्षा के क्रम को बताता है। तो चलिए स्कूली शिक्षा के क्रम को हम एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाउंडेशन स्टेज की। तो फाउंडेशन स्टेज में 5 साल तक बच्चों को पढ़ाई करनी होगी। इसमें 3 से 8 वर्ष तक के बच्चे पढ़ सकते हैं। सबसे पहले उन्हें 3 वर्ष तक के लिए आंगनबाड़ी में शिक्षा को प्राप्त करना होगा। इसके बाद में प्री स्कूलिंग के तहत अगले 2 वर्षों तक कक्षा 1 और कक्षा 2 में शिक्षा प्राप्त करेंगे। ये है फाउंडेशन स्टेज। प्री प्राइमरी लेवल पर स्पेशल कोर्स बनाया जाएगा जिससे कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए समझने में आसानी होगी और वो नई नई चीजों को बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। फाउंडेशन स्टेज के लिए जो भी शैक्षणिक ढांचा होगा उसको NCERT के द्वारा तैयार किया जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं प्रीपरेटरी स्टेज की। इसमें 3 वर्षों तक छात्रों को पढ़ाई करनी होगी। इसके तहत 8 से 11 वर्ष के बच्चों को कक्षा 3 से 5 तक की शिक्षा प्राप्त कराई जाएगी। मिडिल स्टेज में 3 वर्ष तक बच्चों को पढ़ाई करनी होगी। इसमें कक्षा 6वीं से 8वीं तक की शिक्षा को 11 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राप्त कराई जाएगी। सेकेंडरी स्टेज के तहत 9वीं से 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करवाई जाएगी और इसमें 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए यह शिक्षा होगी। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत माता पिता का यह कर्तव्य होता था कि वे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करवाएं, परंतु अब इसको बढ़ाकर 3 से 18 वर्ष कर दिया गया है। बात कर लेते हैं 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के बारे में। 1 साल में 2 बार परीक्षाएं होंगी। सेमेस्टर पद्धति के अनुसार ये परीक्षाएं करवाई जाएंगी और इसमें जिस भी सेमेस्टर में उत्तम अंक होंगे उससे ही रिजल्ट बनेगा। वार्षिक सेमेस्टर और मॉड्यूल बोर्ड परीक्षाओं के मॉडल पर जोर दिया जाएगा। किसी भी विषय को पढ़ने की आजादी होगी। 1 से 10वीं तक सामान्य शिक्षा और 11वीं से विषय चुना जाएगा और इसमें एक विषय के साथ साथ अन्य विषय को भी पढ़ा जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट साइंस को चुनता है तब वह भूगोल, आर्ट्स, अकाउंट आदि सब्जेक्ट को पढ़ सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं नई शिक्षा नीति 2020 की उच्च शिक्षा के लिए कौन कौन से प्रावधान रखे गए हैं। कॉलेजों में प्रवेश के लिए एक कॉमन एग्जाम करवाया जाएगा जिसके तहत स्टूडेंट्स कॉलेज में एडमिशन लेंगे उसमें प्रवेश करेंगे। उच्च शिक्षा में संस्कृत विषय चुनने का विकल्प रखा जाएगा। प्राकृतिक फारसी पाली भाषा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अनुवाद और व्याख्याता संस्थान की स्थापना की जाएगी। उच्च शिक्षा को मल्टीपल एग्जिट व्यवस्था होगी। इसका मतलब है कि मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट अभी स्नातक की पढ़ाई कर रहा है और वह बीच में उसको छोड़ना चाहता है तब उसको छोड़ सकता है और उसके जो पॉइंट्स होंगे, जो उसका स्कोर होगा, जो भी उसके नंबर होंगे वो डिजिटल लॉकर में सेव हो जाएंगे और जब वह पुनः पढ़ने का प्रयास करेगा तब वो जो उसके बचे हुए मार्क्स हैं वो उसमें जोड़ दिए जाएंगे। तो वह कभी भी पढ़ाई को छोड़ सकता है और कभी भी उसको फिर से शुरू कर सकता है। तो ये भी सुविधा रखी गई है नई शिक्षा नीति 2020 में। उच्च शिक्षा को 1 से अधिक विषय ले सकते हैं। अब यह कोई भी पाबंदी नहीं रहेगी कि उच्च शिक्षा के लिए आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का चयन करना होगा। आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स को लेकर उनकी पढ़ाई को कर सकते हैं। अब यदि कोई भी स्टूडेंट 12वीं के बाद बीएड करना चाहता है तो वह कर सकता है। यह 4 वर्ष का कोर्स होगा। इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स 12वीं के बाद कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। ग्रेजुएशन के बाद यदि कोई भी बीएड का कोर्स करता है तब यह 2 वर्षों का होगा और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कोई भी यदि बीएड का कोर्स करना चाहता है तब वह 1 वर्ष का कोर्स होगा। एमफिल की यदि हम बात करते हैं, मास्टर ऑफ फिलोसफी की यदि हम बात करते हैं, यदि कोई भी स्टूडेंट पीएचडी करना चाहता है तो 4 साल के प्रोग्राम एमए को करने के बाद वह सीधा पीएचडी को कर सकता है। अब किसी भी स्टूडेंट को एमफिल करने की अनिवार्यता नहीं रहेगी। तो चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार पुरानी शिक्षा नीति में 34 साल बाद बदलाव किया गया है। इससे पहले जो शिक्षा नीति में बदलाव किया गया था वो 1986 में किया गया था। शिक्षा पर सरकारी खर्च 4.43% से बढ़ाकर 6% का लक्ष्य रखा गया है। बच्चों को कक्षा 6वीं से रोजगार परक शिक्षा दी जाएगी और उनको साथ साथ कंप्यूटर कोडिंग का भी ज्ञान प्राप्त करवाया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल पर बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। वैज्ञानिक और सामाजिक अनुसंधानों को नेशनल स्तर पर रिसर्च के लिए फाउंडेशन
दिया जाएगा। अब से ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली पर अधिक काम किया जाएगा। डिजिटल लाइब्रेरी, वर्चुअल लैब, छात्र एवं शिक्षक इसके लिए तैयार होंगे। भारतीय संकेत भाषा में शिक्षा प्रदान करवाई जाएगी, जिससे कि बधिर छात्र को राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम सामग्री विकसित करवाई जा सके। भारत में कैंपस स्थापित करेंगे विदेशी महाविद्यालय, जो कि एक बड़ा कदम होगा भारत के लिए। नई शिक्षा नीति में 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात के लिए प्री प्राइमरी माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का सार्वभौमिक लक्ष्य रखा गया है। इसका मतलब है देश व प्रदेश के सभी स्कूली उम्र के कुल बच्चों और स्कूल में प्रवेश लेने वाले बच्चों का अनुपात सकल नामांकन अनुपात कहलाता है। नई शिक्षा नीति में डॉक्टर व कानून शिक्षा के बारे में कोई भी बातें नहीं कही गई हैं। बच्चों की परफॉर्मेंस के लिए 3 स्तर होंगे, जिससे कि वो अपना आकलन कर सकते हैं। सबसे पहले स्वयं का वो आकलन करेंगे, इसके बाद में सहपाठी के द्वारा उसका परीक्षण किया जाएगा, अंततः शिक्षक के द्वारा उसका परीक्षण किया जाएगा, जिससे कि बच्चे की परफॉर्मेंस में वृद्धि देखने को मिलेगी। चलिए गाइस, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम समझ लेते हैं। अब देखिए, किसी भी स्टूडेंट की पढ़ाई छोड़ने के बाद पूर्व जो शिक्षा उसने ग्रहण की है वो बेकार नहीं होगी, इस बात पर भी इसमें विशेष गौर किया गया है। तो चलिए समझते हैं इसको। मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट 1 साल की पढ़ाई करता है, तब उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये जो प्रावधान रखा गया है वो उच्च शिक्षा के तहत रखा गया है। तो उच्च शिक्षा के तहत यदि कोई भी स्टूडेंट 1 साल की पढ़ाई करता है तब उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और यदि कोई 2 साल की पढ़ाई करता है तब उसको डिप्लोमा दिया जाएगा। 3 साल की पढ़ाई करने के बाद उस स्टूडेंट को डिग्री प्राप्त करवाई जाएगी। यदि कोई भी छात्र 4 साल अपनी पढ़ाई को पूर्ण कर लेता है तब उसको डिग्री के साथ साथ रिसर्च सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर अपने सुझाव को भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। यदि आप करंट अफेयर से जुड़े हुए कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको वीडियो जल्द ही प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। सो गाइस, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर दें। अभी तक यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि चैनल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।